हेलो दोस्तों, प्रीवियस ईयर रिटन एंट्रेंस टेस्ट की हमारी ये सीरीज चल रही है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। 2020 का जो रिटन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था LNIP का, उसकी अभी तक दो वीडियोस हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये उसका तीसरा और आखिरी पार्ट है। जैसा कि आपको पता होगा, LNIP के 2020 के पेपर में 60 क्वेश्चंस आए थे और उनके 40 क्वेश्चंस हम दो वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं 2020। अब ये वीडियो का तीसरा पार्ट है, इसमें हम रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 60 तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है, बर्डी एंड ईगल आर टू टर्म्स रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। बर्डी और ईगल दो ऐसे टर्म हैं जो इन चारों दिए गए ऑप्शंस में से किसी एक स्पोर्ट में यूज होते हैं। कौन कौन से स्पोर्ट हैं आपके सामने ऑप्शन में? पोलो, गोल्फ, चेस या बिलियर्ड्स। इसका राइट आंसर है गोल्फ। गोल्फ के अंदर दोस्तों दो टर्म यूज होते हैं, बर्डी एंड ईगल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये कहाँ के हैं? गोल्फ के हैं। नाम क्या है? बर्डी एंड ईगल। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल में दोस्तों आप पढ़िएगा, गोल्फ के अंदर बर्डी और ईगल क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। विच इंडियन क्रिकेटर हैज रिटन द बुक वन डे वॉन्डर्स। यहां पर पूछा गया है कि वन डे वॉन्डर्स किसी इंडियन क्रिकेटर ने बुक लिखी है। ठीक है, बुक का नाम क्या है? वन डे वॉन्डर्स। किसने लिखी है वो? कौन से क्रिकेटर हैं? ऑप्शन है आपके सामने, कपिल देव, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री या सचिन तेंदुलकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर की बुक है वन डे वॉन्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज पायोली एक्सप्रेस। नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से चार जो प्लेयर्स हैं, इनमें से पायोली एक्सप्रेस किसे जाना जाता है? किसका नाम पायोली एक्सप्रेस है? ऑप्शन है आपके सामने, शिनी अब्राहम, पीटी उषा, ज्योति मौर्य सिकदर और KM बिनामोल। इसका राइट आंसर होगा पीटी उषा। पीटी उषा का और किस नाम से जाना जाता है? पायोली एक्सप्रेस नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज Z5A Y10B X20C। अब दोस्तों ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि हम बोर्ड के ऊपर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक सीरीज दी हुई है, ध्यान से देखिएगा, ऊपर लिख देता हूँ मैं, Z5A, ठीक है, और Y10B और तीसरा लिखा हुआ है X20C और उसके आगे ब्लैंक है, मतलब इसके बाद भी, इसके बाद कौन सा आएगा? यहाँ कोमा लगा देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक सीरीज दे रखी है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इनके, इन चारों के बाद क्या आएगा। तो जब रीजनिंग के क्वेश्चन की दोस्तों बात होती है तो हमारे लिए बिल्कुल आसान है। अब देखिए, ये बहुत आसान रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे हमें इनका पैटर्न समझना है, किस पैटर्न में ये लिखे हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर Z लिखा हुआ है, इसमें Y लिखा हुआ है, इसमें X लिखा हुआ है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, Z Y X। तो X से पहले क्या आता है? X से पहले आता है W, आता है X से पहले, यहाँ लिख देता हूँ मैं W। ठीक है, WXYZ। ठीक है, ये तो हो गया पहला वो। अब यहाँ नंबर दिया हुआ है, नंबर है 5, 10, 20। अब यहाँ पर एक पैटर्न हमें समझ में आ रहा है कि पहले 5 है तो उसका डबल हो गया 10, फिर अगले में डबल हो गया 20, तो अब हम 20 का डबल कर देंगे। 20 का डबल क्या होगा? 40। तो W 40 हमारे सामने है। ठीक है, अब तीसरा दोबारा से एक अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, A B C। इनका भी एक हमें पैटर्न समझ में आ रहा है कि पहले A, उसके बाद B, उसके बाद C, सीक्वेंस है। तो C के बाद ऑब्वियसली बात है D आएगा, आएगा ना, तो यहाँ पर हमने लिख दिया D। ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पर डैश था, मतलब ब्लैंक स्पेस था, जो इन्होंने पूछा था कि ये जो पूरी सीरीज चल रही है इसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद आएगा W40D। किस तरीके से आएगा वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि देखिए रीजनिंग का एक पैटर्न होता है, रीजनिंग का क्वेश्चंस का एक पैटर्न होता है, तो हमें उस पैटर्न को सिर्फ समझना है। यहाँ पर कोई ऐसा रूल, फिक्स रूल नहीं है कि ये ही रूल लागू होगा, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो W40D कौन से ऑप्शन में है हम देख लेते हैं। अब ये था हमारा क्वेश्चन 44। क्वेश्चन 44 में देखिए W40D ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45।
45 को करने से पहले मैं इसे रब कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो मैंने इसे रब कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, ये भी हम बोर्ड पर ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है, पॉइंटिंग टू अ मैन लक्ष्मी सेज, लक्ष्मी किसी का नाम है, उसने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, दिस मैन्स सन्स सिस्टर इज माई मदर इन लॉ। ये जो आदमी है इसके बेटे की जो सिस्टर है वो मेरी मदर इन लॉ है। मदर इन लॉ को हम बोलते हैं सास बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। हाउ इज लक्ष्मीज हस्बैंड रिलेटेड टू द मैन। अब यहाँ पर पूछा गया है कि लक्ष्मी का जो हस्बैंड है वो उस मैन से कैसे रिलेटेड है जिसकी तरफ लक्ष्मी ने इशारा करते हुए ये बात कही है। अब ये पढ़ने में दोस्तों बहुत ही हमें कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। हम क्या करते हैं जब इस तरीके से रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम इसे रिलेट करने लगते हैं अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं हम। लेकिन इसका एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है पॉइंटिंग टू अ मैन लक्ष्मी सेज, लक्ष्मी ने किसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैन लिख दिया मैंने सिंपल, ठीक है। सबका अपना अपना तरीका होता है। मेरा क्या तरीका है, मेल और फीमेल को मैं मेल को बॉक्स के अंदर करता हूँ और फीमेल को एक सर्कल के अंदर करता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने मेल को लिख दिया इधर और मेल को मैं लेफ्ट पर लिखता हूँ, फीमेल को राइट पर लिखता हूँ। बहुत सारे तरीके होते हैं, जो मेरा तरीका है मैं उस तरीके से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कहा गया है पॉइंटिंग टू अ मैन लक्ष्मी सेज दिस मैन्स सन, इस आदमी का बेटा। तो इसे मैं इस आदमी का बेटा, जब एक जनरेशन नीचे जाएगी तो मैं नीचे रखूंगा। अगर इस आदमी के फादर बोलता तो मैं एरो को ऊपर ले जाता, लेकिन अब मैं एरो को नीचे ले जाऊंगा। तो ये क्या है, मैन्स सन। ये थोड़ा मार्कर चल नहीं रहा है, चलिए मैं रेड से ही कर देता हूं, मैन्स सन, यानी कि इस आदमी का बेटा। इनके बीच रिलेशनशिप क्या है, ये सन है, ठीक है। दिस मैन्स सन्स सिस्टर, यानी कि दिस मैन्स सन्स सिस्टर। अब यहां पर क्या है, सिस्टर लिख देता हूं मैं सिंपली, आप पूरा लिख के भी कर सकते हैं। अब मैंने फीमेल को एक सर्कल में कर दिया, ठीक है, ये बॉक्स में है वो सर्कल में है, ये इसकी सिस्टर है। इज माई मदर इन लॉ, किसकी मदर इन लॉ, माई, माई कौन है, लक्ष्मी। क्वेश्चन में कहा गया ना लक्ष्मी ने इशारा करते हुए कहा, तो माई मदर इन लॉ मतलब ये मदर इन लॉ किसकी है, लक्ष्मी की, माई, लक्ष्मी की मदर इन लॉ है ये। मदर इन लॉ मतलब सास है ये, ठीक है, मदर इन लॉ है ये। रिलेशन लिख दिया मैंने यहां पर, ठीक है, एरो पर मैंने रिलेशन लिख दिया। अब इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है, हाउ इज लक्ष्मीज हस्बैंड रिलेटेड टू द मैन, लक्ष्मी का जो हस्बैंड है, तो हम हस्बैंड को बना देते हैं, लक्ष्मी के हस्बैंड को ये हस्बैंड है लक्ष्मी का, इसका हस्बैंड है ये। यहां पर पूछा गया कि लक्ष्मी का जो हस्बैंड है उसका इससे क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, इस मैन से क्या रिलेशनशिप होना चाहिए इसका। अब देखिए सिंपल है, हमें पता है कि लक्ष्मी की जो सास है वो ये है, तो इसका मतलब कि ये मदर होंगी, ये मदर होंगी लक्ष्मी के हस्बैंड की, जब ही तो वो लक्ष्मी की सास है, ठीक है। तो यहां पर रिलेशनशिप क्या हुआ, मदर। अब हमें यह भी पता है कि लक्ष्मी की जो मदर है वो इनकी सिस्टर है, ठीक है, इनकी सिस्टर है, और ये कौन है, इनके जो फादर हैं वो ये हैं, है ना, क्योंकि ये इनके बेटे हैं। तो क्योंकि ये इनकी सिस्टर हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनके भी फादर सेम होंगे, क्योंकि ये इनकी सिस्टर है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, डॉटर हो गई इनकी, इनकी, ठीक है। तो अब हमें क्या पता चला कि इनकी मम्मी के पापा, यानी कि कौन हुए, वो नाना हुए, रिलेशन में जो हिंदी में हम बोलते हैं नाना। अब इनका इससे क्या रिलेशनशिप हुआ, तो रिलेशनशिप ये हुआ, ये हो गया ग्रैंडसन। क्या हो गया, लक्ष्मी के जो हस्बैंड हैं वो इनके ग्रैंडसन है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत आसान है, बस आपको कुछ एरो इधर से उधर ले जाने हैं, रिलेशनशिप को आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आप दिमाग में अपना सोचने लगेंगे, कॉपी पेन का यूज़ नहीं करेंगे, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इतना आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया कि इनका, इनके बीच क्या रिलेशनशिप है, ये ग्रैंडसन है इसके, ये जो है इनके नाना है। अब देखते हैं ग्रैंडसन ऑप्शन कहाँ पर दिया हुआ है,
देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर सी है हमारे सामने, ग्रैंडसन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ग्रैंडसन। तो ये बहुत आसान तरीका है दोस्तों समझने का, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो आप वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 46 करेंगे आगे हम, उससे पहले मैं इस वाले क्वेश्चन को एक बार रब कर देता हूँ। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। द प्लेयर हु वॉज अवॉर्डेड विद अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड एंड पद्मश्री अवार्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ऐसे प्लेयर है जिन्हें इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, वो कौन है, कौन कौन से अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इतने सारे अवार्ड मिले हुए हैं, कौन है वो। ऑप्शन है आपके सामने, अभिनव बिंद्रा, सचिन तेंदुलकर, प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपी चंद। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, किन्हें इतने सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुलेला गोपी चंद। कौन है पुलेला गोपी चंद? पुलेला गोपी चंद एक बैडमिंटन के बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर रहे हैं अपने टाइम के, और इस समय एक कोच हैं, इनकी एक एकेडमी भी चलती है हैदराबाद के अंदर, गोपी चंद बैडमिंटन एकेडमी नाम से। और ये इस एकेडमी के प्लेयर्स के बारे में आपको पता होगा, पीवी सिंधु यहीं की प्रोडक्ट है, साइना नेहवाल ने भी यहाँ ट्रेनिंग ली है, समीर वर्मा हो चाहे वो हो, किदांबी श्रीकांत, मतलब जितने भी बड़े बड़े बिग नेम्स हैं बैडमिंटन के अंदर प्रेजेंट टाइम में, जो आप सुनते हैं टेलीविजन पर देखते हैं, वो सब यही ट्रेनिंग ले रखी है सभी लोगों ने, ठीक है, अभी भी लेते हैं। तो पुलेला गोपीचंद को कौन कौन से ईयर में कौन कौन से अवार्ड दिए गए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पुलेला गोपीचंद को 1999 में अर्जुन अवार्ड दिया गया, 2001 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया, जो कि स्पोर्ट्स की फील्ड में दिया जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड होता है। 2005 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया, 2009 में इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया और 2014 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया, ठीक है। तो यहाँ तो पद्म भूषण का नहीं लिखा, लेकिन मैंने वो भी मैं आपको इस टाइम बता दिया कि पद्म भूषण भी इन्हें 2014 में दिया गया है पुलेला गोपीचंद को, ठीक है। तो पुलेला गोपीचंद के बारे में आपको पता है, और इनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड भी हैं, पढ़िएगा एक बार आप पुलेला गोपीचंद के बारे में और भी डिटेल में, विकिपीडिया पर बहुत कुछ आपको मिलेगा और अदर सोर्सेस से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। 47 में पूछा गया है द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर है उसकी स्पीड। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 10 मिनट्स। ये ट्रेन 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। सिंपल है, कर लेंगे हम इसे। तो दोबारा से मैं बोर्ड का यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि स्पीड है हमारी 90 किलोमीटर पर आवर, इन्होंने हमें स्पीड बताई है, ठीक है। और अब पूछा क्या है कि 10 मिनट्स में ये ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन, हाँ 10 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो देखिए सिंपल तरीका हमारा क्या होता है, हमें पता है कि स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, मतलब एक घंटे में इतनी दूरी ये तय कर पा रही है 90 किलोमीटर्स की। तो हम क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे इसका 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है ये। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस से कवर कर लेगी, वो हमें कैसे पता चलेगा। वो हमें पता चलेगा कि इसे हम 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये पर आवर के हिसाब से दिया है और हमें सिर्फ 1 मिनट का निकालना है। तो 90 डिवाइडेड बाय 60, और इसे हम कर लेंगे 3.2, इसे हम डिवाइड कर लेंगे तो समथिंग 1.5 आएगा आपका, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका 1.5 आएगा इसे डिवाइड करने के बाद। तो अब आपको क्या पता चल गया, आपको पता चल गया है कि 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस ये ट्रेन कवर कर रही है। अब आगे पूछा गया है कि 10 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस ये कवर करेगी। तो सिंपल है, 1.5 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में जब आपको पता चल गया और आपसे 10 मिनट्स पूछा जा रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1.5
इंटू 10 कितना हो गया, 15 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने यही पूछा था कि 10 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो हमारा आंसर आ गया है 15 किलोमीटर। अब देखते हैं यहां पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1, 2, 3, 4। देखिए ऑप्शन ए 15 किलोमीटर दिया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो समझ आ रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब 10th लेवल तक के ही क्वेश्चन है, और भी कम आप कह सकते हैं इन्हें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है, ए टाई ब्रेकर इज एन एडिशनल कॉन्टेस्ट कैरिड आउट टू एस्टेब्लिश अ विनर अमंग टाइड कॉन्टेस्टेंट्स। कहा गया है कि टाई ब्रेकर एक एडिशनल कॉन्टेस्ट होता है, कहाँ पर होता है, जहाँ पर हमें विनर को डिसाइड करना होता है, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना जहाँ पर दोनों विनर का सेम स्कोर होता है, सेम पॉइंट्स होते हैं, तो हमें विनर डिसाइड नहीं कर पाते हम, कि क्योंकि विनर कैसे डिसाइड होगा, जो बेटर होगा और दोनों इक्वल हैं। तो इन्होंने यही यहाँ पर पूछा है, चूज वन सिचुएशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द टाई ब्रेकर। टाई ब्रेकर को कौन सा ऑप्शन अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वो कौन सी वाली सिचुएशन है जो बेस्ट है टाई ब्रेकर को बताने के लिए। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, एट हाफ टाइम द स्कोर इज टाइड एट 2-2 इन अ फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच का जो हाफ टाइम होता है वहां पर स्कोर टाई हो गया है 2-2, ध्यान दीजिएगा हाफ टाइम पे कहा गया है 2-2। दूसरा है, सेरेना एंड मारिया हैव ईच सिक्योर्ड वन गेम इन अ सेट। कोई प्लेयर है सेरेना एंड मारिया, उन्होंने एक सेट में वन स्कोर ही किया है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, द एम्पायर टॉसेस अ कॉइन टू डिसाइड विच टीम विल हैव बैट फर्स्ट। क्रिकेट में एम्पायर ने टॉस किया और ये डिसाइड किया कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी। और चौथा ऑप्शन है, RCB एंड KKR, ये टीम्स के नाम है, IPL की टीम्स के नाम आपको पता होंगे, ईच फिनिश्ड एट 140 ऑल आउट। दोनों ने फिनिश किया, कैसे फिनिश किया, 140 ऑल आउट, 140 से पूरी टीम आउट हो गई। अब इन चारों में से बताइए कौन सा वो ऑप्शन है जिससे पढ़ते ही आपको एकदम लग रहा है कि यहाँ पर टाई ब्रेकर वाली सिचुएशन आ रही है, मतलब विनर डिसाइड करना है, टाई ब्रेकर से ही हम विनर डिसाइड कर सकते हैं। तो सिंपल है, पहले ऑप्शन में कहा गया है फुटबॉल के हाफ टाइम में 2-2 का स्कोर है। अब बताइए मुझे, हाफ टाइम में 2-2 का स्कोर है तो क्या हाफ टाइम के बाद और मैच नहीं होगा, अभी तो हाफ टाइम ही हुआ है ना, तो उस हिसाब से तो ये गलत है, उसके बाद अभी तो हाफ बच रहा है टाइम, ठीक है, तो उस हिसाब से गलत है। सेकेंड में कहा गया है, सेरेना एंड मारिया है ईच सिक्योर वन गेम इन अ सेट, एक सेट की बात की जा रही है, उन दोनों ने एक स्कोर किया है, तो यहाँ पर भी अभी इनकम्प्लीट है, बिल्कुल सिंपल सा है। तीसरा है, एम्पायर ने टॉस किया, पहले कौन सी टीम बैट करेगी। अब यहाँ पर टाई ब्रेकर कहाँ से आ गया कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी, कौन सी टीम पहले बैटिंग नहीं करेगी, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। चौथे में यहाँ पर मतलब बन रहा है, और यहाँ पर बताया गया है कि RCB और KKR जो दो IPL की टीम्स हैं, 140 ऑल पे दोनों क्या हुआ है, ऑल आउट हो गई है, जहाँ पर टाई ब्रेकर वाली सिचुएशन बन रही है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आप सिचुएशन को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये वाली सिचुएशन है जो टाई ब्रेकर की सिचुएशन हो सकती है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट सिचुएटेड इन ग्रेटर नोएडा इज फेमस फॉर होस्टिंग। ग्रेटर नोएडा के अंदर बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है, वो क्या चीज़ होस्ट करने के लिए, किस चीज़ की मेज़बानी करने के लिए फेमस है। ऑप्शन है आपके सामने, गोल्फ, हॉर्स रेसिंग, ऑटो रेसिंग या क्रिकेट। इन चारों ऑप्शंस में से क्या चीज़ वो होस्ट करने के लिए फेमस है। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ऑटो रेसिंग। जो ग्रेटर नोएडा के अंदर बुद्धा सर्किट है, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, वो ऑटो रेसिंग के लिए फेमस है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 2011 में फॉर्मूला 1 भी बहुत ही सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया था, अवार्ड भी दिया गया था इन्हें, तो इसके बारे में भी थोड़ा पढ़िएगा। जो लोग दिल्ली NCR के आसपास होंगे उन्हें हो सकता है इसके बारे में वो जानते हों, ठीक है, इस वेन्यू के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50। सतीश रिमेंबर्स, अब देखिए यहाँ पर एक दोबारा से रीजनिंग का क्वेश्चन है हमारे सामने, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि सतीश रिमेंबर्स दैट हिज ब्रदर्स बर्थडे इज आफ्टर 15th बट बिफोर 18th ऑफ द फेब्रुवरी। सतीश कुछ याद कर रहा है कि उसका जो भाई है उसका जो बर्थडे आता है वो कब आता है, आफ्टर 16th बट बिफोर 18th, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आफ्टर 15th बट बिफोर 18th, 15 तारीख के बाद
और 18 से पहले, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम इसे सतीश के बारे में। सतीश, सतीश को क्या याद है? सतीश को याद है कि उसके जो भाई का बर्थडे आता है वो कब आता है, 15 के बाद आता है और 18 से पहले आता है, यानी कि या तो 16 तारीख हो सकती है या 17 तारीख हो सकती है, जैसा कि सतीश को याद है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है यहां पर, वेयर एज हिज सिस्टर काजल रिमेंबर्स दैट हर ब्रदर्स बर्थडे इज आफ्टर 16th बट बिफोर 19th। काजल को ऐसा याद है कि उसके जो भाई का बर्थडे है वो कब है, आफ्टर 16th बट बिफोर 19th, यानी कि काजल के हिसाब से उसके ब्रदर का जो बर्थडे होगा वो आफ्टर 16th मतलब या तो 17 हो सकता है, बट बिफोर 19th मतलब या 18 हो सकता है। उसे याद है या तो 17 तारीख है या 18 है, इसे याद है या तो 16 है या 17 है, दोनों कंफ्यूज्ड हैं। और आगे यहां पर पूछा गया है, ऑन विच डे इन फेब्रुवरी इज सतीश ब्रदर बर्थडे। अब यहां पर पूछा गया है कि सतीश के ब्रदर का बर्थडे एक्चुअली में फेब्रुवरी की कौन से डेट में है। ये दोनों तो कंफ्यूज हैं, तो अब हमें अपना कॉमन सेंस लगा के यूज करना है। अब देखिए यहां पर हम देख सकते हैं सतीश को 16-17 लग रहा है, काजल को 17-18 लग रहा है, दोनों में कॉमन क्या है, इसे 17 भी याद है इसे भी 17 याद है, तो यहां पर मेजॉरिटी में क्या है मतलब 17 ज्यादा है, तो हम ये मान करके चलेंगे क्योंकि दोनों को 17-17 ज्यादा याद है। वैसे तो कंफ्यूजन इसमें भी है लेकिन ये दोनों को याद है, तो इस वजह से हम 17 मान करके चलेंगे। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं 16th फरवरी, 17th फरवरी, 18th फरवरी, 19th फरवरी। राइट आंसर क्या होगा, 17th फरवरी होगा, क्योंकि इस सिचुएशन में दोनों यहाँ पर आके कॉमन हो रहे हैं, तो जो कॉमन है उसे ही हम मान लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसे मैं रब कर देता हूँ यहीं पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, और दोबारा से ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ध्यान से इसे भी समझिएगा आप। एक बार पहले पूरा क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, उसके बाद एक बार बोर्ड पे लिख लेंगे हम इसे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, इन एन आर्चरी मैच, आर्चरी के एक मैच में मतलब तीरंदाजी के एक मैच में, पीटर्स टीम गॉट मोर स्कोर देन डेविड्स टीम बट नॉट एज मैनी एज स्मिथ्स टीम। पीटर की जो टीम थी उसने डेविड की टीम से तो ज़्यादा स्कोर किया लेकिन स्मिथ की टीम से ज़्यादा स्कोर नहीं किया, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, स्मिथ्स टीम गॉट मोर स्कोर्स देन ताइवाज टीम। स्मिथ की टीम का जो स्कोर था वो ताइवाज की टीम से ज़्यादा था। आगे लिखा हुआ है, ताइवाज टीम गॉट लेस स्कोर देन डेविड्स टीम। और जो ताइवाज की टीम थी, ताइवा की टीम थी, उनका जो स्कोर था वो डेविड की टीम से कम था। आगे लिखा हुआ है, विच टीम इज इन सेकेंड प्लेस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्कोर्स। अब ये जो पूरी इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताई, इस कहानी में पूछा गया कि वो कौन सी टीम है जो सेकेंड प्लेस पर आई है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम एक बार लिख लेते हैं, देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन जब आप कॉपी पेन का यूज़ करते हैं ना बहुत जल्दी हो जाते हैं, दिमाग लड़ाने लगेंगे आप तो आधा घंटा एक घंटा भी हो जाएगा ना, तो कई बार हम गलत आंसर पे पहुंच जाते हैं, तो हमें लिख कर ही से करेंगे। यहाँ पर कहा गया है, पीटर्स टीम गॉट मोर स्कोर्स देन डेविड्स टीम, तो यहाँ पर पीटर, हम जिसके स्कोर ज़्यादा होंगे उसे ऊपर लिखेंगे हम, ये हो गया पीटर, पीटर की टीम हो गई, इसकी टीम, इसके स्कोर किससे ज़्यादा हैं, डेविड की टीम से ज़्यादा हैं, तो डेविड को मैं यहाँ लिख देता हूँ, बट नॉट एज मच एज स्मिथ्स टीम, लेकिन जितने स्मिथ की टीम के स्कोर हैं उतने स्कोर पीटर के नहीं हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्मिथ के इन दोनों से ऊपर है, तो स्मिथ यहाँ आ जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा स्मिथ, है ना, यही लिखा है ना क्वेश्चन में, यही पढ़ा था ना। आगे लिखा हुआ है, स्मिथ टीम गॉट मोर स्कोर देन ताइवाज टीम, स्मिथ की जो टीम है वो ताइवा की टीम से ज़्यादा स्कोर है, तो हम ताइवा को कहाँ लिखेंगे, इसकी इसके स्कोर ताइवा से ज़्यादा है, मतलब ताइवा इसके नीचे आएगी, कहाँ आएगी अभी ये नहीं बताया इन्होंने कि इससे ज़्यादा तो नहीं, अभी पढ़ेंगे आगे और लिखा हुआ है, ताइवाज टीम गॉट लेस स्कोर देन डेविड्स टीम। अब ताइवा की जो टीम है उसके डेविड की टीम से कम स्कोर है, तो पिछले सेंटेंस में कहा था कि इस टीम के जो स्कोर है वो इससे कम है, और अगले सेंटेंस में ये भी बता दिया गया कि इससे भी कम है, ठीक है। तो बात तो वही है, चाहे वो यहाँ हो चाहे यहाँ हो, इससे तो कम है ही है, है ना। और फिर लास्ट में इन्होंने पूछा है,
विच टीम इज इन सेकेंड प्लेस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्कोर। अब यहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा इसके स्कोर हैं, सबसे उसके बाद इसके, उसके बाद इसके, इसके बाद इसके, यहाँ पर हमारे सामने चार टीमें हो गई, हमें पता चल गया सबसे कम इसके हैं, है ना, और सबसे ज़्यादा इसके हैं। इन्होंने पूछा सेकेंड नंबर पर कौन आया, तो सेकेंड नंबर पर हमारे सामने कौन है, पीटर है हमारे सामने, सेकेंड नंबर पर पीटर है। तो यहाँ पर देखते हैं पीटर यहाँ पर कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 पीटर्स टीम, पीटर की टीम के ज़्यादा स्कोर है। ऑप्शन नंबर 51 में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पीटर्स टीम, जो कि हमारा आंसर सही आया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को मैं एक बार रब कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है। आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपके सामने चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स, स्टीव जॉब और मार्क जकरबर्ग, इन चारों में से किसे फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट सीस्मोग्राफ, सीस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम क्या चीज़ मेजर करते हैं, क्या मापते हैं हम सीस्मोग्राफ से। ऑप्शन है आपके सामने रेजिस्टेंस, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड या स्ट्रेन, इसका राइट आंसर होगा अर्थक्वेक। दोस्तों जब भी अर्थक्वेक को जब हम मेजर करते हैं वो किससे करते हैं, सीस्मोग्राफ से करते हैं। जब भी अर्थक्वेक आता है तो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि सीस्मिक स्केल पर इतने रिएक्टर का स्केल आया, पढ़ा होगा आपने, है ना, उसे ही हम सीस्मोग्राफ बोलते हैं, जो कि हमारे मतलब लैंड के बहुत नीचे लगा हुआ होता है। तो उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रखना है, सीस्मोग्राफ बोलते हैं उसे, जिससे हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, मतलब कितनी तीव्रता का भूकंप आया, ये सब आपने पढ़ा होगा, है ना, नाम है सीस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने आपको दिख रहे हैं, स्मृति ईरानी, विजय गोयल, अनुराग ठाकुर और किरण रिजिजू। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 किरण रिजिजू प्रेजेंट टाइम में स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। जब ये क्वेश्चन आया था जब भी वही थे और अभी भी 2021 चल रहा है अभी भी वही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन 55, लैक ऑफ इंसुलिन दिस कंडीशन इज कॉल्ड, वो कौन सी कंडीशन है जिसमें लैक ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कौन सी बीमारी है वो। ऑप्शन है आपके सामने माइंड सिकनेस, थायराइड प्रॉब्लम, डिहाइड्रेशन या डायबिटीज, इसका राइट आंसर आपने सुना होगा, पता होगा आप सभी को, राइट आंसर इसका डायबिटीज। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमें डायबिटीज़ हो सकती है। इंसुलिन होता क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पैंक्रियाज सेक्रेट करता है। इंसुलिन का एक्चुअली में काम क्या होता है, इंसुलिन का काम होता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अलग अलग टिश्यूज में बॉडी के, उस ग्लूकोज को पहुंचाना, ताकि बॉडी हमारी उस ग्लूकोज का यूज़ कर सके फॉर एनर्जी। लेकिन जब इंसुलिन ही सेक्रेट नहीं होता है तो उसकी एब्सेंस में हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाता है। आपने सुना होगा डायबिटीज़ में हम क्या बोलते हैं, शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, है ना, मतलब ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के उन पार्ट तक वो पहुंच ही नहीं रहा है जहां तक उसे पहुंचना चाहिए। तो ये किसकी वजह से होता है, इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। डायबिटीज़ दो टाइप की होती है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज़ में इसकी कमी होती है, और टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि आमतौर से बच्चों में होती है और बहुत कम होती है, उसमें बिल्कुल भी मतलब ना के बराबर आप समझिए इंसुलिन प्रोड्यूस हो पाता है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में दोस्तों आप डायबिटीज़ के बारे में पढ़िएगा, थोड़ा मोड़ा मैंने आपको बता दिया है इंसुलिन होता क्या है और क्यों ज़रूरत है हमारी बॉडी में इसकी, डायबिटीज़ में इसका क्या रोल होता है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन 56, एस अगेंस्ट ऑड्स इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, क्वेश्चन में कहा गया है एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है एस अगेंस्ट ऑड्स। किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी आपको पता होगा आत्मकथा बोलते हैं हिंदी में ऑटोबायोग्राफी को, मतलब जो अपनी लाइफ की स्टोरी कोई भी इंसान लिखता है उसे हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो ऑटोबायोग्राफी का नाम है एस अगेंस्ट ऑड्स, किसकी है ये। ऑप्शंस आपके सामने पीटी उषा, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम या हीमा दास,
अब दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन टू, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है एस अगेंस्ट ऑड्स। ठीक है, तो ये तो बहुत सारी चीज़ें रटने वाली होती है, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है ये किसकी नहीं है, ये समझने की नहीं रटने की चीज़ें हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन 57। दोबारा से एक हमारे सामने रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 में चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ एक सीक्वेंस है और बीच में ब्लैंक दिख रहा है आपको, तो इस ब्लैंक में क्या आएगा? तो पहले हम इसे एक बार लिख लेते हैं। 259 हमारे सामने क्या है? 259 और यहां पर एक स्पेस है हमारे सामने, मतलब यही हमें फिल करना है कि यहां पर क्या आएगा। 2027, 20 और 27। अब मैंने जैसा कि बताया कि रीजनिंग के इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं सभी में आपको एक पैटर्न मिलेगा, ठीक है, एक अलग तरीके का सीक्वेंस मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें से इसे माइनस करके देखते हैं, तो 2, 3, 4, 5 कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में। 5 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस आ रहा है। 20 और 27 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने देखा 3, 4, तो यहाँ पे 5 का अगर डिफरेंस हम कर देते हैं, यानी कि 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो यहाँ पे अगर 5 का डिफरेंस हम कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा 14, 14 के बाद हम 6 का डिफरेंस करेंगे तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6 का डिफरेंस आ रहा है तो 20 आ गया, 7 का डिफरेंस आ रहा है तो 27 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इनके बीच में हमने डिफरेंस जब निकाल के देखा तो हमने देखा कि 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पर उस हिसाब से 14 आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई ऐसा रिटर्न तरीका नहीं है कि ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन होगा, खुद अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि यहाँ पर कौन सा फिट बैठ रहा है। तो ये मैंने माइनस करके देखा और मैंने देखा कि अरे डिफरेंस तो इस तरीके से निकल रहा है, तो मैंने ये करके देख लिया इसमें। ठीक है, तो रीजनिंग में यही होता है, खुद समझना पड़ता है। ठीक है, तो मैं इसे रब कर देता हूँ, आगे के 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं वो हम कंप्लीट करेंगे अब। तो ये जो क्वेश्चन मैंने अभी रब कर दिया है, इसका आंसर 14 था, ऑप्शन ए 14। ठीक है, आपने देखा होगा किस तरीके से मैंने करा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। 58 में पूछा गया है लुक एट दिस सीरीज़। यहाँ पर दोबारा से एक हमारे सामने सीरीज़ है, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है और यहाँ पर भी एक मिसिंग नंबर है, वो क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो दोबारा से हम बोर्ड का यूज़ करेंगे, सीरीज़ हमारे सामने 22, 21, उसके बाद है 23, 22, 23, 22, 24, 23, 24, 23 और लास्ट में है ब्लैंक। ठीक है, यहाँ क्या आएगा अब हमें वो बताना है। तो अब इसमें किस तरीके से कराए, देखिए 22 के बाद यहाँ पर आ रहा है 23। ठीक है, और ये 22 के बाद 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर क्या है, एक छोड़ एक क्लिक करके हमें मिल रहा है 22 के बाद 23, बीच में हमने एक यहाँ छोड़ दिया, उसके बाद ये वाला जो नेक्स्ट 21 है यहाँ बीच में छोड़ के हमने इसे इससे मैच करा तो 21 के बाद 22, नेक्स्ट 23 आया तो 23 को इसे छोड़ के हमने इससे मैच किया। तो हम ये इसमें हमें जो पैटर्न मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि एक छोड़ एक करके हमें इसे मैच करना है, तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो अब हम इसे देखते हैं, जैसे 24 के बाद क्या आएगा, 25 आएगा यहाँ पर, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर 25 होना चाहिए क्योंकि इसका नेक्स्ट सीक्वेंस 25 ही होगा, जैसे कि पीछे पैटर्न चलता आ रहा है कि 22 के बाद 3, यहाँ 22 के बाद 3, 21 के बाद 22, है ना, तो 24 के बाद ऑब्वियसली बात है 25 ही आना चाहिए यहाँ पर। तो हम इसका देख लेते हैं क्या आंसर है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन 3, 25 सही आंसर है हमारा, 25 जो कि आया है। ठीक है, तो इसे मैं रब कर देता हूँ, लास्ट के 2 क्वेश्चन हमारे बचेंगे इसके बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है वाडा स्टैंड्स फॉर, WADA इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन आपके सामने वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन, वर्ल्ड एंटी डोट एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डॉग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका राइट आंसर आपको पता होगा ऑप्शन 4, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा क्या है?
वाडा की फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा का काम क्या है? वाडा का काम है स्पोर्ट्स के फील्ड में जो इलीगल ड्रग्स होते हैं उन्हें बैंड जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें प्रोहिबिट करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं कि कौन कौन से सब्सटेंसेस आप स्पोर्ट्स में उनका इंटेक नहीं कर सकते। डोपिंग के बारे में आपने सुना होगा, डोपिंग के अगेंस्ट काम करना ही वाडा का मेन काम होता है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है वाडा, जिसे एस्टेब्लिश किसने किया था, आईओए ने ही इसे एस्टेब्लिश किया था 1999 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैनेडा के अंदर है। ठीक है, और एक हर कंट्री की एक नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होती है, तो इंडिया के अंदर जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है उसका नाम है नाडा, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात की जाए तो वहाँ पर क्या नाम है, यूनाइटेड स्टेट्स एंटी डोपिंग एजेंसी। हर कंट्री की अलग है। ठीक है, और ये जो वाडा है ये इंटरनेशनल लेवल की है, और नाडा नेशनल लेवल की होती है। इंडिया की जो नाडा है वो 2005 में एस्टेब्लिश की गई, उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो वाडा का मेन काम क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया कि डोपिंग के अगेंस्ट एक लड़ाई है, उसे रोकने का काम है। क्योंकि देखिए बहुत सारे इलीगल सब्सटेंसेस होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन ले लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए, तो ये क्या है, एक तरीके से ये बेईमानी है, नाइंसाफी है दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन के साथ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ ये चीज़ें जाती हैं। आप कोई चीज़ ले रहे हैं, कुछ ऐसा सब्सटेंस ले रहे हैं जिससे आपकी परफॉर्मेंस इन्हेंस हो रही है, तो ये सब कुछ गलत है जो कि नहीं लेना चाहिए, जिसके लिए वाडा और नाडा मिल करके काम करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये 59th क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 60। हु वन द गोल्ड मेडल इन 400 मीटर एट 2 बैक टू बैक ओलंपिक्स? ऐसे वो कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते 2 ओलंपिक्स में, जो कि एक के बाद एक हुए, 2 बैक टू बैक ओलंपिक्स में उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं 400 मीटर रेस में। ऑप्शन है आपके सामने, कार्ल लुईस, माइकल जॉनसन, ग्रेगरी हॉपटन और एल्विन हैरिसन। इन चारों में से बताइए वो कौन से स्पोर्ट्स पर्सन है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, माइकल जॉनसन। कौन है माइकल जॉनसन, क्या किया इन्होंने? क्वेश्चन में कुछ बातें लिखी हुई हैं, कुछ बातें मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताऊंगा इनके बारे में। माइकल जॉनसन दोस्तों 400 मीटर में इन्होंने ओलंपिक में एक के बाद एक ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीते। कब कब जीते इन्होंने ये गोल्ड मेडल? 1996 के जो समर ओलंपिक्स हुए थे एटलांटा में, यूनाइटेड स्टेट्स के एटलांटा में, वहाँ पर इन्होंने 400 मीटर जो रेस हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जीता, और ये यूएस के ही हैं। उसके बाद 2000 में जो सिडनी ओलंपिक्स हुए थे, सिडनी समर ओलंपिक्स हुए थे, वहाँ पर दोबारा से इन्होंने 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता। तो दो लगातार दो ओलंपिक्स में इन्होंने एक तरीके से रिकॉर्ड बनाया 400 मीटर में। ठीक है, और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है दोस्तों कि 1996 के जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें इन्होंने 400 मीटर के साथ साथ 200 मीटर में भी गोल्ड मेडल जीता था। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 200 मीटर और 400 मीटर का एक ही गोल्ड मेडलिस्ट है। ठीक है, इनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं हुए हैं इनकी लाइफ के अंदर, ओलंपिक्स हो चाहे वो, या दूसरे तरीके के जो भी गेम्स होते हैं उनमें आप देखेंगे सिर्फ गोल्ड गोल्ड मेडल ही लेकर के अपने करियर में आए हैं, आपको सिल्वर ब्रॉन्ज नहीं दिखेंगे, गोल्ड गोल्ड ही दिखेंगे। तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं अपने टाइम के, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं इनके नाम, इनके बारे में बहुत कुछ आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए आपको इनके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल 60 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिए हैं, और इसी के साथ हमारा का जो रिटन एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसे हमने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। एक एक क्वेश्चन को जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी मैंने वहाँ आपको बहुत डिटेल में जाकर भी समझाया, जहाँ ब्रीफली समझाने की ज़रूरत थी वहाँ ब्रीफली समझाया, और जहाँ सिर्फ गुजर जाने की ज़रूरत थी वहाँ सिर्फ क्वेश्चन को पढ़कर हम आगे बढ़ गए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। लेकिन दोस्तों आप ये मत समझिए कि अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर पूरा सॉल्व कर लिया है तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कोई क्वेश्चन रिपीट हो सकता है एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाए, हो सकता है ना भी हो, तो इस पर डिपेंड मत रहिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, आ सकते हैं। ये जो पेपर आपका मैंने सॉल्व कराया है आपको एक जनरल आइडिया लेने के लिए है सिर्फ, कि हाँ किस तरीके से पेपर होता है, क्या पैटर्न होता है उसका, किस तरीके से आप प्रिपरेशन अपने आने वाले एग्जाम के लिए करेंगे। ठीक है, इसके अलावा 2019 का जो पेपर था वो भी मैंने सॉल्व किया है, उसकी भी वीडियो सीरीज आपको दोस्तों ऊपर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आई बटन पर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और
IGIPS के जो BSC के पेपर से वो लास्ट ईयर के मैंने अपलोड कर दिए हैं, इस साल के मतलब 2020 वाले भी मैं अपलोड करूंगा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है जो LNIP के BPED के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके हाई चांसेस हैं, जैसा कि मुझे लगता है कि वो IGI के BSC के एंट्रेंस में भी अपीयर होने वाले हैं, तो उसकी भी प्रिपरेशन वो कर सकते हैं। उनके लिए भी आगे ये सीरीज अभी कंटिन्यू है और इसमें बहुत सारे अभी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के पेपर को मैं सॉल्व करूँगा। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो, कॉमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।